नागपुर की विनीता भाटिया ने 9 नवंबर 2022 को रेडिसन ब्लू मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित मिसेस इंडिया इंटरनेशनल ग्लैम 2022 सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। विनीता भाटिया ने 17 साल तक फिटनेस उद्योग के साथ काम किया है और खुद एक फिटनेस उत्साही है। उन्होंने रोटरी के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान के राजदूत के रूप में नीदरलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया फिटनेस आइकॉन 22, नागपुर मिस नागपुर और इसी तरह कई खिताब हासिल किए। एक ब्यूटी पेजेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, दूसरे दूसरे कंट्रीज की पार्टिसिपेंट्स इसमें रही है। तो मैं नागपुर से गई हुई थी और इंडिया से भी दूसरे सिटीज से भी लोग और आए हुए थे। तो ये पेजेंट काफ़ी टफ था, इसमें 4 राउंड्स हुए। तो आपको हर चीज़ में जज किया जाता है, टैलेंट आपका कैसा है, आपका रैंप वॉक कैसा है, आपका क्वेश्चन आंसर राउंड इंट्रोडक्शन राउंड होता है तो आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड आपका इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका नॉलेज सब एसेस करता है। और जो जजेस थे वो सारे आपके लाइक मिसेस इंडिया लीड वो थे। तो इट वॉज लाइक वेरी गुड। और अमीषा पटेल जी थी, वो उन्होंने क्राउनिंग किया था, सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली विनीता भाटिया ने इस ताज को जीतने के लिए इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतना उनका सपना था। वह इस तरह के शानदार आयोजन के लिए अपनी सफलता का श्रेय इन फ्रेम को देती हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।